घोसी में आज विजय उत्सव जुलूस महाराजा सोहेलदेव राजभर जी का निकला था, उसका मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन सोहेलदेव स्वाभिमान पार्टी की तरफ से करता हूँ। लेकिन विगत दिनों से जब से लोकसभा का चुनाव गर्म हुआ था, घोसी लोकसभा का, एक दिन भी माननीय मंत्री अनिल राजभर जी ने घोसी लोकसभा क्षेत्र में प्रचार प्रसार करने नहीं भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी के करने आए। लेकिन आज अचानक विजय जुलूस निकला, जब ओम प्रकाश राजभर यहाँ पर चुनाव उनका पुत्र हार गए तो अचानक ये चले आए, फ्लाइट से दिल्ली से चले आए, इनको मौका मिल गया। लेकिन एक दिन भी एनडीए के गठबंधन के प्रत्याशी के उन्होंने प्रचार प्रसार नहीं किया। और कोई जनपद में अभी कोई मर जाए, कोई कार्यकर्ता की माँ, उसकी पत्नी, उसका भाई कोई मर जाए या घायल हो जाए या बीमार है, तो कभी भी माननीय मंत्री अनिल राजभर जी उसके दरवाजे पर पहुँचने का काम नहीं करते हैं। लेकिन आज उनको तो दिल में खुशी है कि एक रास्ते का रोड़ा मेरा समाप्त हुए, ओम प्रकाश राजभर जी। लेकिन कहीं ना कहीं इसको समाज जो है कि अलग नज़रिए से देख रहा है कि आखिर में मंत्री जी गुमनाम मंत्री जी हो चुके थे, लगभग पूरे चुनाव भर तक गुमनाम यह थे। एक दिन भी इन्होंने अपना इस यहाँ पैर भी रखना मुनासिब नहीं समझा कि चलिए घोसी में एक बार मैं एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी का मैं एक दिन अपने लोगों से मैं प्रचार प्रसार कर दूँ। लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में खुशी है, यह विजय दिवस जो आज मनाया गया है महाराजा सोहेलदेव राजभर का, इसको सोहेलदेव स्वाभिमान पार्टी जो माननीय अनिल राजभर मंत्री जी कैबिनेट मंत्री हैं जो जुलूस निकलवाए हैं, इसको हम लोग अपने अलग नज़रिए से देख रहे हैं। और जुलूस में सर्वाधिक लोग वही थे जो बेचारे दिन रात मेहनत किए इंडिया को यहाँ से जिताने के लिए, कहीं ना कहीं इनके द्वारा प्रायोजित थे, वहाँ भेजे गए थे चुनाव निशान छड़ी के लिए वोट मांगने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गेम चेंजिंग हुई है एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी के लिए, यहाँ पर गेम चेंजिंग प्लानिंग की गई, इसको सोहेलदेव स्वाभिमान पार्टी इस नज़रिए से देखती है। और बड़े मज़े का सवाल तो ये है कि आज यह जो जुलूस निकाला गया है, यह जुलूस विजय जुलूस नहीं, यह जो ओम प्रकाश राजभर की हार का यह जुलूस, इसको मैं मानता हूँ कि जो हार हुई थी ओम प्रकाश राजभर की, बड़ी करारी हार हुई थी, उस हार का मजा लेने के लिए इस विजय जुलूस को हम अपने नज़रिए से हम देखते हैं। और सोहेलदेव स्वाभिमान पार्टी बिल्कुल मजबूती के साथ उपचुनाव में भी इनको खदेड़ा किया घोसी से, और घोसी लोकसभा में भी इनको हम लोग यहाँ से खदेड़ चुके हैं। और आने वाले 2027 में हम लोग तैयारी कर चलेंगे और इनको 2027 में हम लोग जहूराबाद से भी ठीक करेंगे। और आप सभी मीडिया भाइयों को, पत्रकार भाइयों को, देश के आप चौथे स्तंभ हैं, आप सभी को मैं पुनः हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराजा सोहेलदेव राजभर, जय सोहेलदेव स्वाभिमान पार्टी। आज सोहेलदेव राजभर जी का विजय उत्सव दिवस भी हमारे कम कार्यालय में मनाया गया बड़ी धूमधाम से, और क्षेत्र में विभिन्न जगहों पर कार्यक्रम चल रहे हैं जिसमें मैंने शिरकत किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सोहेलदेव, जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद।